जय माता दी फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं इधर नहा कर आ गई हूँ। अभी मैंने बालों में कंघी वगैरह कुछ नहीं की है, क्योंकि उठते के साथ सुबह सबसे पहले चाय चाहिए होता है और आजकल तो उठने का कोई टाइम नहीं है। लेट ही उठते हैं तो फिर चाय भी लेट हो जाता है चाय पीने में। तो मैंने सोचा मैं नहा कर पूजा करके, मैं नहाने गई थी तो मैं गैस पे चाय रख कर गई थी ताकि आते के साथ ही चाय छान कर बस चाय पीने बैठ जाएं। तो क्योंकि आँख खोलते ही हमें तो चाय चाहिए, बट मैं चाय वाय पी लेती हूँ ना, फिर मैं थोड़ा सा आलस हो जाता है, नहा नहीं पाती हूँ जल्दी से, फिर वही खाना वाना खा लेती हूँ तो फिर पूजा नहीं कर पाती। इसलिए मैंने सोचा पहले चाय पी कर वो सॉरी नहा कर पूजा करके चाय पी तब चाय पीऊँगी। तो यही हम लोग इधर बैठ कर बातें कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं, और बाबू बिस्किट खा रहे हैं, हस्बैंड भी बिस्किट खा रहे हैं। और मुझे चाय के साथ कुछ भी खाना पसंद नहीं है। कभी अगर मन किया तो कभी कदार खा ली तो खा ली, कभी शौक से, अदरवाइज मैं नहीं, मतलब नमक पारे या मट्ठी ये सब खाती हूँ, बट और बिस्किट वगैरह नहीं खाती। चाय मतलब नहीं पीती चाय के साथ, खाती पीती जो भी है। तो ये बाबू बस यही सुबह के टाइम पे हम लोग ये बातें कर रहे थे कि क्या ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। एक तो लेट हो जाता है ना, लेट उठो ना कुछ भी करने का मन नहीं करता, सारा दिन मूड ख़राब रहता है। तो आज बाबू की को मतलब क्लास नहीं थी, क्वेश्चन क्वेश्चन वगैरह नहीं मिलना था, तो इसलिए मैं भी आलस कर गई और काफ़ी टाइम तक सोती रह गई। तब चाय पी कर बस जाती हूँ किचन में क्या बनाना है। तो गुड इवनिंग फ्रेंड, सुबह से सीधा शाम पे आ गई मैं। दिन में मैंने क्या बनाया, क्या खाया, क्या किया वो कुछ भी नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ, क्योंकि नहीं मन था, मूड नहीं था। तो इधर मैं बनाने जा रही हूँ केक, अभी शाम के टाइम 4 बज रहे हैं, शाम तो नहीं कहेंगे, दोपहर के बाद वही 4 बज रहे हैं। तो देखिए मैंने इधर बिस्किट को पीस लिया है और उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर उस अच्छे से बरी करके पीस लिया है उसको। अब मैं इधर उसको दूध के साथ मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बाबू के बर्थडे पे मैंने बनाया था तो उस टाइम मैदे का बनाया था, तो इन लोगों को बहुत पसंद है केक, बाबू को भी, और मीठा हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। काफ़ी दिन से हस्बैंड पीछे पड़े हुए थे बनाओ, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ आज। और भी बिस्किट का केक तो बहुत ईजी है, फटाफट से सच में केक बनाना इतना ईजी हो गया, पहले नहीं पता था। इधर रोज बनाओ रोज खाओ। तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है बस दूध के साथ, और अच्छा सा पेस्ट बन गया है बिल्कुल, और थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था मुझे तो फिर मैंने इसमें और दूध ऐड किया है। तो चलिए बनाते हैं केक, देखिए कैसे बनाती हूँ मैं ये केक। और इधर मैंने कुकर में स्टैंड रख दिया, पहले मैंने स्टैंड रख दिया लेकिन मुझे स्टैंड निकालना पड़ेगा। और मैंने पिछली बार भी बाबू के बर्थडे पे बनाया था ना केक, तो ऐसे ही बनाया था कुकर में वो, तो अब मैंने आपको दिखाया भी दिखाया था या नहीं दिखाया था, शायद पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे, शायद दिखाया था रेसिपी में, तो इसलिए ये मतलब इस केक को बनाने के बाद शायद मैं नहीं दिखा पाई, फाइनल लुक नहीं दिखा पाई, वो शूट नहीं हो पाया था एक्चुअली, कैमरा ऑन नहीं था, बस मुझे लग रहा था कि ऑन है, ट्राइपॉड में फ़ोन लगा हुआ था, मुझे लग रहा था वीडियो शूट हो रहा है बट शूट नहीं हो पाया था। तो कुकर का जो ढक्कन होता है वो मतलब ढक्कन का सी ढक्कन की सीटी और रबड़ निकाल लेंगे, और नमक तो मेरे पास पहले का ही था, जो पिछली बार मैंने केक बनाया था ना वही नमक था, तो ये वही नमक मैं रख लेती हूँ क्योंकि काम आ जाता है, नमक ख़राब तो होता नहीं है, तो बस केक बनाने में काम आ जाएगा, या तो कुछ और भी कुछ भी ऐसी चीज़, और तो घर क्या बनाते पता नहीं, और तो कुछ नहीं बनाते, बट ये केक बनाने में के लिए मैंने स्पेशल इस नमक को रख रखा है। तो इसको मैंने दूसरे कटोरी में ट्रांसफ़र कर दिया और उसमें थोड़ा सा मैंने वो तेल लगा लिया था ताकि केक लास्ट में आराम से निकल जाए। और तो इस पेस्ट को हम इसमें डालते हैं, फिर इसको पकाते हैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा इनो ऐड किया है, इनो डालने से बिल्कुल स्पंजी बनेगा केक, क्योंकि इसमें मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, तो इनो आप डाल सकते हैं, अगर बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, बस ये इनो डाल के फेंटना है, बस हल्का सा मिलाना है, जैसा कि वो बनाते हैं ना ढोकला, बिल्कुल ढोकले की तरह ही है। तो बस हल्का सा मैंने चम्मच से मिला दिया अच्छे से, और अभी से बिल्कुल फूल चुका है, इनो को डालते ही पता ही कितना स्पंजी हो जाता है। और एक्चुअली पता है हुआ क्या था, ये जो मेरा ये टिफ़िन है ना, ये टिफ़िन छोटा पड़ गया था, क्योंकि और थोड़ा बड़ा बर्तन होना चाहिए था, क्योंकि इनो डालने से ना बहुत ज़्यादा हेलो स्पंजी फ्रेंड, बना था, वेलकम बहुत बैक टू ज़्यादा माय फूल गया चैनल। था। कैसे हैं आप लोग?
मैं ऐसा करती हूँ, आप लोग अच्छे होंगे तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, मैं छत पे आई हूँ अभी और मैं सो गई थी, सो कर उठ कर आ रही हूँ। और मैंने लगाई आज देखिए कितनी बड़ी बिंदी, फर्स्ट टाइम लगाई है मैंने इतनी बड़ी बिंदी, वो ब्लैक कलर की। ये एक्चुअली ये मुझे मिल गई है, मैंने अभी ख़रीदी नहीं है। तो ये बिंदी है मेरे बेटे के स्कूल की पिछले साल की जो एक्टिविटी वगैरह में जो सामान होता है ना उसी में ये बिंदी थी। मैम ने कुछ बनवाया होगा तो उसी के उसमें एक्टिविटी वाले सामान में निकली थी, तो आज मैं सफाई कर रही थी तो मुझे मिल गई, तो मैंने लगा ली। सही नहीं लगी, पर ढूंढो लगाने के लिए तो ऐसी बिंदी मिलेगी नहीं। बहुत अच्छा इसका जो वेलवेट है बहुत अच्छा है। और मैंने ऑयलिंग की थी कल रात में, अभी मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, आज नहीं किया तो मैं कल भी नहीं करूँगी और फिर संडे को ही करूँगी। और देखिए इधर वान जा चुके हैं अपने अपने घर, हल्की हल्की धूप है ऊपर। मैंने सोचा जरूर आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, मैंने बात नहीं किया है आप लोगों से। तो कैसे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सच में अब बहुत हो गई, अब मन करता है इधर से उधर जाने का, डेली की डेली घर में क्या करें, डेली वही सुबह उठना, मॉर्निंग में उठना, नाश्ता पानी खाना पीना, फिर से रात को सो जाना, फिर से सवेरे, इसके अलावा कोई और काम ही नहीं है हमारे पास। देखते हैं फिर, अभी छत पे आई हूँ मैं, थोड़ा बाबू आएगा तो खेलेंगे बाबू के साथ, मैं चाय वाय बनाऊँगी। तो मैं आ गई हूँ छत से नीचे क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था। काफ़ी टाइम तक हम लोग छत पे घूमते रहे, बातें करते रहे, खेलते रहे बाबू के साथ, मस्ती करते रहे। फिर अभी शाम का टाइम है और मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि शाम के टाइम पे हर कोई आरती पूजा करते हैं ना, तो वही मैं कर रही हूँ शाम के टाइम पे। इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में बनाने के लिए अपना डिनर, और डिनर में मैं सिंपल से बनाऊँगी। दिन का चावल था मेरा काफ़ी सारा बचा हुआ, तो पता है ऐसे बासी चावल ना ख़त्म नहीं होता है, ये तो आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि वो बहुत भारी पड़ जाता है, लगता है इतना सारा चावल बासी कैसे ख़त्म होगा। ताज़ा चावल तो हम लोग खा लेते हैं बट बासी चावल ना थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा होता है, नहीं मन करता खाने का। फिर मैं इसको फ्राई कर दे रही हूँ, फ्राई करने से होता है, फ्राई करने से वही चीज़ वही चावल कम पड़ जाते हैं चाहे कितने भी फ्राई कर लो। तो मैं वही चावल को फ्राई कर रही हूँ इधर, प्याज आलू टमाटर सबको अच्छे से पका लूँगी और अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद कर लूँगी चावल फ्राई, फिर मिलूँगी आपसे। तो फ्रेंड हमने डिनर भी कर लिया और आज मैंने फाइनल लुक किसी चीज़ का भी नहीं दिखाया होगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे केक बनाया उसका भी फाइनल लुक नहीं दिखाया और चावल फ्राई किया उसका भी नहीं दिखाया, तो बस नहीं दिखाया आज। और इधर आ गई हूँ बाबू के बालों में तेल लगाने के लिए, और मैं भी बने किचन वगैरह सब क्लीन कर लिया, बर्तन थे बहुत सारे धुलने थे, दिन के सारे बर्तन पड़े थे, तो बस धोकर आ गई हूँ मैं। खाना वाना सब खा के अच्छे से साफ करके मैं बाबू की इधर मालिश कर रही हूँ सर में, काफ़ी दिन से नहीं किया था मैंने इसके बालों तेल की मालिश, करना चाहिए लेकिन ये ना बच्चे बस नहा कर आता है तो हल्का सा तेल लगा देती हूँ, फिर तेल तेल रहता है तो मालिश नहीं कर पाती हूँ मैं, तो मैंने सोचा आज मालिश कर देती हूँ, फिर संडे को संडे को क्या, ये तो डेली शैम्पू करता है, वो तो हमारे लिए होता है, सैटरडे नहीं वॉश करना, थर्सडे नहीं वॉश करना, बच्चों का तो नहीं लिया जाता, बच्चे तो डेली नहा ही लेते हैं, जेंट्स लोग भी नहा लेते हैं, हस्बैंड लोग भी कहते हैं बिना एक दिन बिना शैम्पू के नहीं नहाते, बट हम लोगों का तो पता नहीं क्या होता है, एक फिक्स डेट हो गया है अब, जैसा मतलब मम्मी और कहती थी कि नहीं धोते, मंगलवार को भी नहीं धोते हैं, वीरवार को नहीं धोते, शनिवार को नहीं धोते, तो बस हम लोग नहीं धोते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक तो कुछ भी नहीं पता है, बट ये बड़े बड़े करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बातें होती है। तो हम वैसे भी डेली तो हम लोग वॉश करते नहीं हैं कभी, मतलब हफ्ते में 3 दिन ही तो कर 3 दिन करते हैं, तो 3 दिन छोड़ने में क्या जाता है कि नहीं, कुछ बातें मान लेनी चाहिए बड़े लोगों की भी। तो गाइस मैंने अपने बाबू के सर में तेल की मालिश कर दी, मैं रात के टाइम में मालिश करती हूँ बालों में ताकि सुबह हेयर वॉश कर ले, ज़्यादा ऑयल भी ठीक नहीं लगता ना। और अभी बाल इतने बड़े बड़े हो रहे हैं सबके, समझ में नहीं आ रहा कैसे कटिंग होगी, बाबू के भी बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, संडे को देखूंगी कोशिश करके मैं काटने की कोशिश करूंगी,
ज़्यादा नहीं तो फिर और जो कान वान के पास होते हैं ना वो एक्स्ट्रा होते हैं, वो थोड़ी सी कटिंग कर दूंगी। तो अभी रात कितने, अभी रात के बज गए हैं 11:15 हो गए, 11:48 हो गए। तो मैं सोचा वीडियो को एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो मेरा सुबह से शुरू कर रखा है, मैंने इसका एंड नहीं किया था। तो बस अभी थोड़ी सी बाबू की ऑयलिंग करके मैं सोचा वीडियो को एंड कर देती हूँ। और आप लोगों से मिलते हैं हम लोग कल। इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप अच्छा लगा होगा आपको मेरा वीडियो, तो ऐसे इन्जॉय करिएगा। मच्छर बहुत मोटे मोटे से मच्छर हैं बहुत ज़्यादा, और अभी इन लोगों के इधर चल रहा है गेम, अभी ये लोग गेम खेल रहे हैं। अभी नहीं सोएगा ये, 1 बजे तक सोएगा, साथ में वो गेम खेलते रहेंगे। कि बच्चे दिन में सो लेते हैं, रूटीन बिल्कुल कोई रूटीन नहीं रह गया। आप कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब लंच करना है, कब डिनर करना, कोई टाइम नहीं है। बस जब मन मूड किया, अब कर भी क्या सकते हैं, ऐसा ऐसी सिचुएशन आ रखी है। तो चलिए वीडियो को मैं एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।